हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। में मधुबाला स्वामी मेरे चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। हाय, आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं अभी सो के उठी हूँ। जब मैं मेहंदी की क्लास में, पार्लर की क्लास में जाके आई थी, मैं तभी सो गई थी। और अभी सो के उठ के और हाथ पैर हूँ मैंने धोए हैं, और सुबह से अभी मैंने मांग भरी है, और थोड़ा सा मांग भर के और बस आपके सामने आई हूँ। बालकनी में बैठी हूँ, मैं पी रही हूँ अपनी चाय। चाय के साथ मैं आज कुछ भी नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मेरी इच्छा नहीं कर रही बिल्कुल भी। और आज दिन भर जैसे मौसम हो रहा है बारिश का, तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। बारिश के मौसम में मेरे थोड़ा हाथ में, कंधे में प्रॉब्लम है, मैंने बताया तो मेरा थोड़ा हाथ दर्द करता है, और मैं सुबह बात नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि सुबह से जैसा कि मैंने बताया कि पापा जी आ गए हैं, तो सुबह सुबह 10:30-11 मुझे खाना देना होता है, और सुबह बहुत सारे काम होते हैं, और दिन में भी होते हैं काम। तो मैं नीचे भी जाती हूँ, पार्लर, मेहंदी, तो इन सब में दिन में भी मेरे को टाइम नहीं मिलता बात करने का। मैंने सोचा अभी चाय के टाइम आपसे बात करी जाए। तो अभी भी खाने की तैयारी करनी है, सारा काम बाकी है। और बच्चे एक तो पी रहा है रसना, और उनको भूख लग रही है तो वो मैगी बना के खा रहे हैं दोनों बच्चे। मैगी मैं नहीं बनाती हूँ, वो अपने हिसाब से अपनी मैगी बनाते हैं, क्योंकि एक बेटा मेरी सूखी मैगी खाना पसंद करता है जिसमें पानी नहीं डालता, और एक बेटा थोड़ा सा पानी डाल के खाना पसंद करता है, तो उनकी मैगी वही बना के खाते हैं, तो वो दोनों मैगी खा रहे हैं। और इनके दादाजी आज छत पर ही है, उनकी थोड़ी तबीयत, आज थोड़ा बीपी बढ़ गया था उनका, तो उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो आज वो दुकान पे नहीं गए। जैसा कि मैंने बताया था इससे पहले वाले ब्लॉक में, सुबह वाले में, कि स्वामी जी आए थे, वही टिफ़िन लेके गए थे, और वो घर पे ही रेस्ट कर रहे हैं। थोड़े थके हुए हैं, अभी हरिद्वार से आए हैं जो, तो उनको भी रसना दे दी, वो भी रसना पी रहे हैं। केले भिजवा दिए, केले खा रहे हैं, केले और रसना वो ले लेंगे। और मैं मेरी चाय पी रही हूँ, तो चलिए चाय के बाद मिलते हैं कि क्या बनाना है, क्योंकि बच्चे बोल रहे हैं मम्मी पनीर की सब्ज़ी बनाओ। और पनीर की रेसिपी मैंने मेरे इसी चैनल पे मैंने पहले अपलोड कर रखी है, तो प्लीज़ आप विज़िट कीजिएगा। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें मैंने मेहंदी, पार्लर और हैंडीक्राफ्ट आइटम्स, रेसिपी, सभी चीज़ें मैंने, हेयर स्टाइल और नेल आर्ट सभी मैंने इसी चैनल पर अपलोड कर रखी है, तो प्लीज़ एक बार आप विज़िट ज़रूर कीजिएगा। और चलिए चाय के बाद मिलते हैं, मेरी चाय ठंडी हो जाएगी, तो चलिए मिलते हैं चाय के बाद, और खाने की तैयारी करूँगी तब मैं मिलूँगी आपसे। तो चलिए बाय बाय। और मैं शनिवार और संडे को मेरे नीचे मेहंदी पार्लर की छुट्टी रहती है, तो मैं ऊपर ही रेस्ट करती हूँ, मुझे नीचे जाना नहीं होता है, तो उस टाइम में मैं हैंडीक्राफ्ट आइटम के वीडियोज़ अपलोड करा करूँगी बीच में। और मंडे से लेके और फ्राइडे तक मैं जो रेसिपीज़ के हैं वो मैं डाला करूँगी, रेसिपीज़ के ब्यूटी पार्लर से संबंधित या मेहंदी के भी मैं डाला करूँगी। तो चलिए मिलते हैं चाय के बाद, बाय बाय। देखिए मैं आ गई हूँ अपनी रसोई में, और सबसे पहले मैं चढ़ा रही हूँ दूध। दूध मुझे गर्म करना है, और कढ़ी और पनीर की सब्जी मैं बना रही हूँ, तो कढ़ी के साथ जूस को नहीं पीते हैं, शरीर के लिए हानिकारक होता है, तो क्योंकि कढ़ी में होती है छाछ और जूस में होता है दूध, तो वो हानिकारक होता है, तो मैं जूस नहीं बनाऊँगी आज।
चलिए यार बर्तन में मार लेती हूँ, उसके बाद में इसमें मेरे को आटा लगाना बताना है तो एक बार धो लेती हूँ मैं इनको। दीपक लगा दिया है, मछलियों को दाना भी डाल दिया है, मशीन मेरी चल रही है, पानी भर लिया है, दूध भी हो गया मेरा, जूस बनाना ही नहीं है आज तो। कड़ी बनानी है मेरे को तो। चलिए ये दो थैली छाछ में ले रही हूँ कड़ी की। कड़ी की जो रेसिपी है वो मैंने पहले शेयर करके कड़ी बता रखी है मैंने, पकोड़े की भी बता रखी है, प्याज की और पनीर की सब्जी भी मैंने बता रखी है, तो आप एक बार वहीं विजिट कर लीजिएगा क्योंकि मैं काफी लेट हो चुकी हूँ। तो देखिए दोस्तों आज मैं आटा इसमें लगा रही हूँ, तो देखिए आप ये इस तरीके का है, इसको इसमें इस तरीके से फिट कर देते हैं और फिर ऊपर से लगा देते हैं ये, और ये लगा देते हैं इस तरीके से, और ये मेजर करने के इसके सामान है कि आटा और पानी कितना लेना है। तो देखिए चलिए मैं बताती हूँ, यहाँ डाल देंगे हम आटा, आप इससे भी नाप सकते हो और इससे भी नाप सकते हो, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये वाले कप 8 है यानी ये वाला 4 है। देखिए ये वाला 4 है और ये वाला 8 है। तो चलिए इसमें आप चाहो तो यहीं से पानी ऐड कर सकते हो, जहां से आठ है यानी हमें 3 कप पानी मिलाना है अभी, फिर अगर कम पड़ेगा तो 1 कप और मिलाएंगे। चाहो तो ये लगाने के बाद, ये देखिए ये लगाने के बाद यहां से भी पानी ऐड कर सकते हो। इसमें अब हम डालेंगे नमक, पास से आपको बताती हूँ एक बार। देखिए थोड़ा सा आपको सूखा लगे तो आप और डाल सकते हो पानी यहां से, बहुत ही आसान है इससे आटा लगाना, बच्चे भी आसानी से लगा सकते हैं।
देखिए अब बताती हूँ मैं कि लग चुका है आटा। इसको खरीदे हुए मुझे आज 5-6 साल हो गए। ये देखिए देखिए आटा अच्छी तरीके से लग गया है। ये देखिए बस आप अब लोया बना सकते हो। तो देखिए थोड़ा सा पोर्शन लेंगे हम पहले आटे हाथ पे, या तो घी लगा लेंगे या तेल या फिर आटा लगा लेंगे थोड़ा सा, फिर एक पोर्शन लेंगे। देखिए बच्चे भी इसमें आसानी से लगा सकते हैं, मेरे बच्चे तो लगा लेते हैं। देखिए ये लोहा बन के तैयार है। ये देखिए जैसा परफेक्ट डो हमें चाहिए वैसा बनाए। देखिए छोटा बड़ा डो आप कैसा भी बना सकते हो। ये देखिए, और अगर आपको ये थोड़ा गीला लगे तो आप इसमें थोड़ा सा सूखा आटा और मिला लीजिए, और फिर से आप इसका इसको एक बार घुमा दीजिए, बन जाएगा। तो देख ही रहे 5-6 साल हो गए इसका यूज़ करते हुए, मेरे बच्चे छोटे छोटे थे जब से इसका यूज़ कर रहे हैं। तो आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ये बहुत ही रसोई में काम की चीज़ है। देखिए आपने ये वाला तो देखा ही होगा मेरा, जिससे मैं प्याज टमाटर वगैरह काटती हूँ, तो बच्चे आसानी से, जब बच्चे खुद सैंडविच बनाते हैं अपना वो जैसा खाना चाहते हैं तो वो आसानी से इससे काट देते हैं। और मैं इसका भी उपयोग बताऊंगी कि इससे कैसे प्याज काटते हैं। इसको भी मुझे 5-6 साल हो गए इन सब चीज़ों को खरीदे हुए। तो चलिए अब कढ़ी का छोंक लगा। ये बेसन में मैंने सब चीज़ डाल दी, हल्दी नमक मिर्ची, और बस इसका छोंक लगा देती हूँ मैं। प्लेन ही कढ़ी बना रही हूँ मैं, थोड़ी गाढ़ी कढ़ी खाते हैं हम लोग। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ देखिए लाल मिर्ची, राई और मेथी दाना, जीरा। हींग मैंने डाल दी है। फुल कर दिए गैस। तो चलिए ये खड़े खड़े मैं और भी काम कर रही हूँ, क्योंकि कड़ी के पास से हमें हटना ही नहीं है, फट जाएगी नहीं तो। तो पनीर यहाँ पर मैंने चॉप कर लिया है, कैसे भी आकार में आप इसको काट सकते हो। बस अब टमाटर मुझे काटने हैं ग्रेवी के लिए, और प्याज काटने हैं। बहुत पेना चाकू है, इसको मैं हटा रही हूँ क्योंकि इससे कई बार मेरे कट लग गए हैं। प्याज मुझे लाने हैं थोड़े छोटे छोटे, ज्यादा रह गए छोटे साइज के। बस कढ़ी में उबाल आने वाला है। कड़ी में उबाल आ गया है, इसको अभी 5-7 मिनट ऐसे उबालेंगे। हरा धनिया और इसके ऊपर डालना है, और इधर मैंने एक पैन में तेल चढ़ा दिया है। तो बस अब मैं मेरा जो टमाटर का पेस्ट और प्याज हरी मिर्ची और इनका पेस्ट बना लेती हूँ। थोड़ा पेस्ट मेरे पास रखा है वो मैं मिला दूंगी। देखिए कड़ी ऊपर आ गई, इसमें थोड़ा सा बिठाने के लिए इसको, ताकि नीचे बैठ जाए।
पानी डाल दिया मैंने जरा सा, क्योंकि अभी इसको और उबलने देंगे। जितनी ज़्यादा उबालेंगे कड़ी इसका टेस्ट उतना ही ज़्यादा अच्छा आएगा। और इधर मेरा तेल हो गया है, तो अब इसमें मैं डाल दूँ जीरा, राई, तेज पत्ता, दालचीनी और ये एक बड़ी इलायची, इसको तोड़ के डालूंगी। ये देखिए इस तरीके से इसको थोड़ा सा फोड़ दिया है। तो बस अब मैं मेरा मसाला इसमें डाल देती हूँ। और ये रेसिपी मैंने शेयर पहले कर रखी है, तो मैं अभी आप उसी पे विज़िट कीजिएगा, क्योंकि अभी स्वामी जी के आने का टाइम हो गया है, मुझे चपातियाँ सेकनी है और पापा जी खाने का वेट कर रहे हैं। तो सॉरी गाइज, आप प्लीज़ वही पनीर की सब्ज़ी देख लीजिए एक बार जो मैंने अपलोड कर रखी है इसी चैनल पे। तो देखिए सब्जी हमारी बन गई है। अब यहाँ पर मैं ये थोड़े से क्यूब्स तो अभी डाल रही हूँ, और थोड़े से सर्व जो सब्जी सर्व करूँगी उस टाइम में मैं डालूँगी, देखिए, क्योंकि आधे जनों को हमारे इसी में मिक्स वाले पसंद है, जो बच्चों को है या स्वामी जी को है वो अलग से लेते हैं, वो पहले पनीर फिर उसके ऊपर ग्रेवी डालते हैं। तो चलिए बस इस पे धनिया और डालना है, हरा धनिया। ये देखिए हरा धनिया थोड़ा मेरे पास कम है, क्योंकि मुझे ऊपर से गार्निशिंग में भी चाहिए और इधर मुझे कड़ी में भी डालना है। और कड़ी भी मेरी हो गई है, तो कड़ी को आप ढक देते हैं। और इधर मेरी सब्जी भी हो गई है, लेकिन इसको अभी ढक के 2-5 मिनट और पकाऊंगी मैं, क्योंकि अभी पनीर डाला है। तो चलिए गाइस अब मैं चपातियां सेक लेती हूँ, उसके बाद मैं मिलूंगी। एक कटोरी भी दे दो बेटा। देखिए ये हमारा आज का डिनर बनके तैयार है। ये यहाँ पर मैंने चपातियां बना ली। और ये देखिए ये शाही पनीर की सब्जी है ना रेस्टोरेंट स्टाइल की, और ये हमारी कड़ी जो बिल्कुल सिंपल है, प्याज की कड़ी नहीं है। और ये हमारी सुबह की जो उसकी तरबूज के छिलकों की सब्जी है वो है गीली वाली, और ये है सूखी वाली लड्डू, और यहाँ पर हमारा सैलड। और आज मेरे जो ककड़ी यानी खीरा था वो ख़त्म हो चुका है, और देसी टमाटर है तो देसी हम लोग खाते नहीं है सैलड में। तो यही हमारा आज का मेन्यू है, तो ये डिनर हमारा तैयार है। तो देखिए मैं ना फिर बाद में बात नहीं कर पाऊँगी, स्वामी जी आ जाएंगे उसके बाद में, क्योंकि हम लोग सब बात करते हैं फिर खाना खाते हैं, सब हंसी मजाक करते हैं। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ, बाद में खाना खाने के बाद मैं एडिटिंग करूँगी और उसके बाद में मैं घूमने जाऊँगी, तो सुबह वाले ब्लॉग में मिलेंगे। तो गाइज़ अगर मेरा ये ब्लॉग आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा कि मेरा ब्लॉग आपको कैसा लग रहा है। और अगर आप नए हो मेरे चैनल पे
तो जो बेल आइकन का बटन है वो प्रेस कीजिएगा ताकि जो लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो बाय बाय, सुबह मिलेंगे, गुड नाइट, बाय बाय।